मैं हूँ दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय जिसने फैलाई भारतीय ज्ञान की रोशनी। मैं नालंदा विश्वविद्यालय हूँ, एक ऐसा स्थान जिसे लक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहा जाता है। संपूर्ण विश्व में भारतीय उपमहाद्वीप को पहचान दिलाने वाले संस्थानों में मेरा नाम उल्लेखनीय रहा है। मेरी स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी। उस समय कुमार गुप्त प्रथम ने मेरी नींव रखी थी, तब मैं दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। प्राचीन भारत का उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। ढेरों कमरे, 9 मंजिला पुस्तकालय। मेरे परिसर में कई कमरे थे और 7 बड़े-बड़े कक्ष थे। इसके अलावा अध्ययन के लिए 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय भी था, जिसे धर्म गूंज नाम दिया गया था, जिसका मतलब सत्य का पर्वत था। मेरे पुस्तकालय में ढेरों किताबें थी। इस पुस्तकालय के 3 भाग थे, जो रत्न रंजक, रत्न दोधी और रत्न सागर नाम से जाने जाते थे। मेरे परिसर में पढ़ने के लिए विद्यार्थी का चयन मेरिट के आधार पर होता था और छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इतना ही नहीं, उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निशुल्क था। 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी थे। जी हाँ, मेरे परिसर में देश ही नहीं विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उस समय 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसके मार्गदर्शन के लिए 2,700 से ज्यादा अध्यापक नियुक्त थे। मैं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी यानी कि 800 साल तक ज्ञान का शीर्षक केंद्र रहा। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस और मंगोलिया समेत कई अन्य देशों के छात्र भी नालंदा शिक्षा ग्रहण करने आते थे। चीन के विख्यात बौद्ध भिक्षु जुआन झांग भी यहाँ से धर्म ग्रंथ साथ ले गए, जिनका बाद में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। यह भी ज्ञात है कि चीन के प्रसिद्ध यात्री हिन सांग भी 7वीं शताब्दी में यहाँ पर आए थे। पढ़ाए जाते थे बहुत से विषय। मेरे परिसर में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉ और इतिहास, मैथ्स, इकोनॉमी समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। मेरे छात्रों की फहरिस्त में कई ऐसे शामिल थे जिसे आज संपूर्ण विश्व में ख्याति लब्ध विद्वानों के रूप में जाना जाता है। हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यदेव, नागा अर्जुन आदि ऐसे नाम हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की और यहाँ से अर्जित ज्ञान को विश्व में फैलाया। 2006 में आया पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव। मेरी ख्याति का जब अरुज पर थी, तभी एक विदेश आकृता की नज़र मुझ पर पड़ी। मेरे प्रसिद्धि से जलने वाले बख्तियार खिलजी नालंदा आया और जतशुत्री से उसने मुझे जला डाला, मगर मेरे ज्ञान की चमक को जानने वाले ने याद रखा। बाद की पीढ़ियों ने मेरा इतिहास सहेज कर रखा। सैकड़ों साल के बाद वर्ष 2006 आया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान मुझे फिर से जान फूंकने का प्रस्ताव रखा। फिर क्या था, बाहरी देश भी मुझे पुनर्जीवित करने में रुचि दिखाने लगा। सिंगापुर सरकार की तरफ से प्रस्ताव आए थे और चर्चा भी शुरू हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय को एक बार फिर से एशिया में ज्ञान का केंद्र बनाने का गौरव मिले। 400 एकड़ में तैयार हो रहा परिसर। 2007 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 16 देशों ने मेरे पुनर्स्थापन के प्रस्ताव का समर्थन किया। 2009 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में फिर से चर्चा हुई और 1 सितंबर 2014 को मेरा पहला शैक्षिक छत शुरू किया गया। हालांकि अभी ये राजगीर में अस्थायी सुविधाओं के साथ चल रहा है। इस बीच इसके पुराने स्वरूप को याद करते हुए विश्वविद्यालय को आधुनिक रूप में ढालने की
कवायद भी होने लगी है। मेरा नया परिसर 160 हेक्टेयर यानी लगभग 400 एकड़ में तैयार हो रहा है। गौरवशाली अतीत को समेटे हुए इसे आधुनिकता का बौद्धिक जामा पहनाया जा रहा है। राजगीर की पहाड़ियों के बीच बन रहा ये नालंदा विश्वविद्यालय इसकी सेक्शन का महत्व के साथ साथ प्राकृतिक शोभा भी बढ़ाने वाला होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये मैं हूँ दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय जिसने फैलाई भारतीय ज्ञान की रोशनी, जी हाँ, मैं नालंदा विश्वविद्यालय हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको नालंदा विश्वविद्यालय की ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।